हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। तो आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपको पता है कि हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम 10, 11, 17 और 18 को स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं है, टॉप 30 हैं जिसमें आपके जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर और जरूरी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ को देखना मत भूलना, ये हमारा पार्ट वन है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी टेंटेटिव डेट आ चुकी है दिसंबर में, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने जो छांटे हैं, ठीक है। और आपके पूरे सभी एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। देखिए चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा ने मीजल्स वायरस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हरियाणा के हर एक पेपर में आते हैं। हरियाणा ने मीजल्स वायरस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका राइट आंसर होगा 2020 तक, ठीक है। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा पेंट चेंज कर लूँ। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में पतंजलि का पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा जीरकपुर में खोला गया है। आपको पता है पतंजलि जो है वो बाबा रामदेव जी की कंपनी है, और उनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव, और जो बाबा रामदेव जी हैं वो महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिया गया है? ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना किसी शिफ्ट में आएगा। इसका राइट आंसर होगा भूखापुरी, ठीक है। ये भूखापुरी गाँव है, भूखापुरी जो कि करनाल में पड़ता है, आदर्श गाँव का दर्जा दिया गया। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले ई स्टैंपिंग लागू हुई, ठीक है। सबसे ये तो आप क्वेश्चन आप देखने को मिल चुका होगा कि ई स्टैंपिंग, हरियाणा के सभी दफ्तरों को ई स्टैंपिंग कर दिया गया है। और सबसे पहले कहां लागू हुई, ये क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम में लागू हुई। इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। कहां पर सिख संप्रदाय का इतिहास संग्रहालय स्थापित होगा, ठीक है। सिख संप्रदाय का इतिहास संग्रहालय कहां पर स्थापित होगा? इसका राइट आंसर होगा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिवहन निगम की सबसे बड़ी वर्कशॉप कहां पर बनेगी? राज्य परिवहन निगम की सबसे बड़ी वर्कशॉप कहां पर बनेगी? राइट आंसर इसका पंचकुला होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2016-17 के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना हो गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक पूछा भी गया है शायद हरियाणा के एग्जाम में, ठीक है। आपको पता है कि 2011 में पहले देखिए 2011 के अनुसार 8-7-9 था, पर खट्टर जी ने जो एक बयान दिया था 2016 में कि हरियाणा का लिंग अनुपात बढ़ चुका है, और वो बढ़कर हो गया है 914। अब देखिए इससे दो चीज़ें में और फर्क आया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो डिस्ट्रिक्ट हमारी पानीपत, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिसका सबसे कम है वो है हमारा महेंद्रगढ़, ठीक है। ये आपके दो डाउट है जो कि क्लियर हो गए होंगे। और पहले में क्या थे, आपको पहले तो पता है, पहले फरीदाबाद था और गुरुग्राम और सोनीपत था छोटे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस एकेडमी ने अपना प्रकाशन डिजिटल कर दिया है, यानी कि कोई एकेडमी है जिसने अपना प्रकाशन जो है उसको डिजिटल लेवल पे कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा हरि ग्रंथ अकेडमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अकेडमी हमारे पंचकुला हरियाणा में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस रेलवे लाइन, ये लाइन है, लाइन को विद्युतीकृत कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेलवे लाइन है जो पूर्णतः बिजली से संचालित हो गई है, उसका लाइन का नाम है कुरु से नरवाना, ठीक है। कुरु से नरवाना जो वह लाइन है वह विद्युतकृत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गांव में सुबह शाम राष्ट्रगान होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा भनकपुर गाँव, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, वहाँ पर सुबह शाम जो है वो राष्ट्रगान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कब आवारा पशु मुक्त राज्य बना? देखिए आपको पता है हरियाणा जो है पशुओं का देश है, दुधारू देश है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत फेमस है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, हरियाणा कब आवारा पशु मुक्त राज्य बना? 15 अगस्त 2017। ये याद भी आपको हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमारा हरियाणा जो आवारा पशु मुक्त हुआ है 15 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है, श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगी? तो पलवल में खुलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है पंडित भगवतलाल शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे रोहतक में है, ये चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये पलवल में खुलेगी। नेक्स्ट है, शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली वाले कितने जिले बने हैं? इंपॉर्टेंट है, तो 5 जिले बने हैं। अब उन 5 जिलों की बात कर लें तो एक तो आपका देखिए हमारा आ जाएगा अंबाला, ओके, और दूसरे नंबर पे जो जिला आएगा वो हमारा अंबाला के साथ आता है पीकेएल, यानी कि पंचकुला। तीसरे नंबर पे आएगा गुरुग्राम, और गुरुग्राम के एकदम साथ में आता है आपका फरीदाबाद, ओके। एक जिला आपको याद करना है, वो है आपका सिरसा।
ये 5 जिले हैं जिसमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। आप देखिए 3 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वाईफाई को लेकर, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनेगा ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहला वाईफाई गांव कौन सा है, तो वो है हमारा जुलान जो कि हिसार में पड़ता है। दूसरा है कि पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा है, तो गुमलट्ठा गहरू है, आपको पता है ये KKR में पड़ता है यानी कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है तीनों गाँव में एक साथ वाईफाई सुविधा उपलब्ध हुई है, तो वो है गोपड़िया गांव झज्जर में। गोपड़िया गांव में वाईफाई लगा है और वो 3 गांव को जो है वाईफाई सुविधा दे रहा है, तो वो झज्जर में पड़ता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लेवल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का, कि कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुलिस पदक देखिए राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है और ये 2 अधिकारियों को मिला है, अरुण सिंह और लखविंदर सिंह, इन दोनों के नाम हैं। पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा अखबारों में भी चर्चा में रहता है, तो ये पानीपत में शुरू हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट भी हुई है, कुछ निर्णय भी लिए गए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, फतेहाबाद जो है वो पॉलीथीन मुक्त जिला है। और अगर प्रथम राज्य की बात करें तो वो हमारा सिक्किम हो जाता है। ठीक है, प्रथम सिक्किम राज्य है जो ये पॉलीथीन मुक्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका एथलीट मीट 2017 कहाँ पर हुई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रेवाड़ी में हुई है। एथलीट मीट 2017 जो है वो रेवाड़ी में हुई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमको कितने कवर करने हैं, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं, और ये जनवरी से लेकर, ठीक है, ये थोड़ा 2016-17 के क्वेश्चन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारा पहला पार्ट है, इसलिए आपको जनवरी से लेकर सारे के सारे मार्च तक के, सॉरी अक्टूबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस निश्चिंत रहना यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर बाकी अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन भी ज़रूर दबाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, धन्यवाद।